ठीक है बच्चों, अब एक केस बचा है, वो केस क्या है वो भी देख लेते हैं। वो हमारे पास जो केस है, केस नंबर 3। देखो केस नंबर 3 क्या है, केस 3 हमने ले लिया, व्हेन एक्स बिलोंग्स टू 0, तो हमने ले लिया केस 2 में, तो 0 को छोड़ देंगे, 3 नहीं लिया था तो 3 को इंक्लूड कर लेंगे। ये हमारा केस 3 है, ठीक है। अब इस हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस ऑफ x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। अब बच्चों ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड इसके बीच में क्या है, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो यहाँ ये माइनस कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x कर लिया और प्लस ऑफ एक्स प्लस 1 और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 कर लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, माइनस कॉमन लिया तो फिर ये क्या हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अभी तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ क्या लिखा, माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक्स लिया, एक्स माइनस 3 माइनस हो गया, एक्स माइनस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3 इज लेस देन इक्वल्स टू 0। अब फिर ध्यान से देखो, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है ना, ये हमारे पास ये लेस देन, ये क्वाड्रेटिक है और क्या बोल रहा है, लेस देन 0 बोल रहा है। तो लेस देन 0 का क्या मतलब होगा, बिटवीन द रूट्स। तो यहाँ से हमें क्या मिला, और इक्वल्स टू 0 है तो रूट्स भी हमें लेना है, तो रूट हमारे पास क्या है, 1 एंड 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बिटवीन 1 एंड 3। ये इसको मैंने फिफ्थ बोल दिया, इसे मैंने सिक्स्थ इक्वेशन बोल दिया। अब बच्चों देखो, ये केस 3 का इनिशियल रिस्ट्रिक्शन है और ये केस 3 का हमारा सॉल्व करके आंसर है। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा, क्वेश्चन का फाइनल आंसर नहीं, केस 3 का जो फाइनल आंसर होगा उसको हमने S3 बोल दिया। वो क्या होगा, 0,3 जो इनिशियल रिस्ट्रिक्शन है और जो सॉल्व करके आया उसका इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन ले लो ऐसे 0,1,3। ये क्या बोल रहा है, 0 पे ओपन, 0 से 3, 3 पे क्लोज। ये क्या बोल रहा है, 1 से लेके 3 दोनों पे क्लोज। तो यहाँ से क्या आया, S3 जो आया हमारा क्या निकल के आया, इंटरसेक्शन क्या हो गया, 1,3। ये हमारा केस 3 का फाइनल आंसर हुआ। अब हम क्वेश्चन का फाइनल आंसर बताएंगे। क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या होगा, S1 यूनियन S2 यूनियन S3। तो जो हमारा फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर जो होगा वो क्या होगा, S1 यूनियन S2 यूनियन S3। तो यहाँ से S1 क्या मिला है हमें, देख लो बच्चों, S1 हमें क्या मिला है, S1 हमें मिला है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 यूनियन S2। S2 हमें क्या मिला है, 3 टू इन्फिनिटी यूनियन S3। S3 क्या है, 1 से 3। एक तो तुम ऐसे भी आंसर छोड़ सकते हो, ये भी आंसर हो गया, ठीक है, ये भी आंसर हो गया। तो तुम यूनियन लेना चाहते हो तो एक नंबर लाइन बना लो। इसमें कौन कौन से नंबर इन्वॉल्व हैं, माइनस 1 एंड 3। ये क्या बोल रहा है, माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1, और ये क्या बोल रहा है, अच्छा ये बीच में 1 भी है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, 1 से 3, 1 से 3, और यहाँ क्या बोल रहा है, 3 से इन्फिनिटी। अब बच्चों क्या है, एक बात को ध्यान में रखो कि यूनियन है, तो यहाँ ध्यान दो, 3 तो इसमें है बट इसमें नहीं है 3। तो अगर इंटरसेक्शन होता तो हम 3 को छोड़ देते, बट यहाँ पे 3 को इंक्लूड करेंगे क्योंकि यूनियन है। तो यहाँ से हमारा फाइनल रिजल्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस 1 क्लोज्ड यूनियन, देखो 1 से 3 एंड 3 से इन्फिनिटी, तो क्या हो जाएगा, 1 टू इन्फिनिटी। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ये फाइनल आंसर है। किसका आंसर है, क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है। ये बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो देख लेते हैं इसमें, इसी को मैंने एक्सप्लेन करके यहाँ पे बता रखा है, देख लेना आप लोग। ये हमारा 1 से इन्फिनिटी है, यहाँ पे 3 लिखा, आपके जो आप लोगों को PDF दिया है ना, उस PDF में ये 3 है बट ये इन्फिनिटी है, बाई मिस्टेक मैंने 3 लिख दिया, ये इन्फिनिटी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर
8 सॉल्व हो गया। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, दो तीन बात को ध्यान में, इसमें क्या पॉइंट याद रखना इसको ध्यान में रखो। सबसे पहले इसमें मैंने क्या बोला कि ऐसे करके मैंने साइन स्कीम बना लिया। ये साइन स्कीम कैसे बनाई ऑलरेडी बता रखा है। उसके बाद मैंने क्या बोला कि इन दोनों केसेस को मर्ज कर दिया। ठीक है, अगर तुम इन दोनों केस को मर्ज नहीं करो, इसको अलग केस ट्रीट करो, इसको अलग केस ट्रीट करो, उसके बाद फिर चार केसेस बनेंगे, चारों केस के विद इन द केस तुम इंटरसेक्शन लो और फाइनल जो आंसर होगा उन चारों केस के आंसर का यूनियन, तो भी रिजल्ट तुम्हें यही मिलेगा। फाइनल रिजल्ट तुम देख लेना करके, यही आएगा तुम्हें। ठीक है, एक बात ये याद रखने वाली बात है। दूसरी बात क्या है कि जब हमने ऐसे केसेस बनाए थे ना, ऐसे केसेस बनाए थे तो यहाँ पे मैंने माइनस वन को इंक्लूड किया, फिर यहाँ पे छोड़ दिया। एक से एक पैटर्न के हिसाब से लिया, पहले माइनस वन को इंक्लूड किया यहाँ छोड़ दिया, फिर जीरो को इंक्लूड किया यहाँ छोड़ दिया, फिर थ्री को इंक्लूड किया यहाँ छोड़ दिया। अगर तुम यहाँ पे माइनस वन को भी इंक्लूड कर लो, यहाँ भी माइनस वन और टू को जीरो को इंक्लूड कर लो, यहाँ भी थ्री जीरो को और थ्री को इंक्लूड कर लो, यहाँ भी थ्री से इन्फिनिटी ले जाओ, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिजल्ट सेम ही आएगा। ये हो गया दूसरा पॉइंट याद रखने वाली बात। तीसरा पॉइंट क्या याद रखने वाली बात है कि विद इन द केस, बार बार बोल रहा हूं, विद इन द केस इंटरसेक्शन होता है और जितने भी केसेस के जो आंसर आते हैं ना उन सब का जब यूनियन लोगे तो हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, ये बात आ रही है समझ में? तो ये सारे पॉइंट्स को हमें याद रखना है। अब मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बताता हूँ इस क्वेश्चन का, जिसमें हमें कैलकुलेशन थोड़ा सेव करना होगा। शॉर्टकट नहीं है कुछ, बट थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन है। इसको देखो ध्यान से कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये तो एक प्रॉपर बता दिया ना मैंने, मतलब एक सिस्टमैटिक वे में बताया स्टेप बाय स्टेप। अब मैं तुम लोगों को क्वेश्चन बता रहा हूँ कि क्वेश्चन जब हम लोग प्रैक्टिकली क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो समझाने के लिए था। प्रैक्टिकली क्वेश्चन देखो, हम लोग क्वेश्चन 8 चल रहा है ना, क्वेश्चन 8 को हम प्रैक्टिकली कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, सॉल्व मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x मॉड प्लस ऑफ x प्लस 1, इसको सॉल्व करना था। ठीक है बच्चों, तो अब देखो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। हमने क्या किया, जो मॉड के अंदर लिखा है ना और ये दो मॉड के अंदर लिखा है, इसका हमने रूट लिया, रूट निकाला, तो रूट इसका क्या होगा, एक 0 एंड 3, और यहाँ से रूट क्या होगा, माइनस वन। तो तीनों रूट को प्लॉट कर दिया, माइनस वन, जीरो एंड थ्री। ठीक है, अब देखो ऐसे प्लॉट कर दिया। अब देखो हमें करना क्या है, हमने केस वन लिया, अब अपना कोई दिमाग नहीं लगा रहे, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे। केस वन लिया, एक बार हमने लिया एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस वन, लेस देन इक्वल्स टू माइनस वन ले लिया केस। ठीक है, पैटर्न क्या होगा, पहले जाओ माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, माइनस वन ले लिया। दूसरे केस में क्या होगा, वन को छोड़ के टू जीरो पर आ गए, जीरो को इंक्लूड कर लिया। तीसरे केस में क्या होगा, जीरो को एक्सक्लूड करके थ्री पर आ जाएंगे, थ्री को ले लेंगे। और चौथे केस में क्या होगा, जीरो को छोड़ के अप टू इन्फिनिटी, ये हमारा पैटर्न होगा केस का। तो हमने क्या बोला कि केस में हमने एक्स इज लेस देन माइनस वन ले लिया। अब क्या करो, किस क्वेश्चन को सॉल्व करना हमें, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस ऑफ एक्स प्लस वन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू फोर। ठीक है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगेगा, बस डायरेक्ट हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे क्या करना है, पहले तो हमने क्या किया, इससे और इससे जो रूट निकाल के नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया। पहला केस क्या बनाया, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन। अब हमने क्या किया कि इस इंटरवल में से कोई भी एक एक्स का वैल्यू उठाया, कोई भी निकाल लो, चाहे माइनस वन ले लो, लेस देन माइनस वन इक्वल्स टू माइनस वन, लेस देन और इक्वल्स टू माइनस वन से कोई भी एक्स का वैल्यू निकालो। जैसे हमने माइनस वन ही ले लिया, माइनस वन को यहाँ डालो और यहाँ डालो, यहाँ हमने माइनस वन डाला तो क्या होगा, वन प्लस थ्री फोर, ये पॉजिटिव आ गया ना, पॉजिटिव अंदर क्या आ गया, पॉजिटिव। तो अगर अंदर पॉजिटिव आ गया तो डायरेक्ट मॉड हटा दो। अब यहाँ पे हमने माइनस वन डाला, तो माइनस वन डाला, माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, ये हमारा माइनस वन प्लस वन जीरो। तो हमें पता है ना कि मॉड के अंदर जीरो आता है या पॉजिटिव आता है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मॉड हटा देते हैं। तो यहाँ भी हमने डायरेक्ट मॉड हटा दिया, तो हमें क्या मिल गया, एक्स प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू फोर। तो देख लो, यहाँ जो हमने पहला केस लिया था ना, जो हमने पहला केस बनाया था, उस केस में भी यही आंसर था। देख लो, पहला जो केस हमने लिया था उसमें माइनस वन प्लस वन ये क्या हो रहा है हमारा, जीरो। तो जो हमने फर्स्ट केस लिया था, सॉरी एक मिनट, इसमें लेस देन माइनस वन, तो लेस देन माइनस वन पे क्या आ रहा है, ये इक्वल्स टू हमने माइनस वन ले लिया, माइनस वन प्लस वन जीरो, तो ये क्या हो गया, मॉड हट गया।